आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं बौद्ध दर्शन के सबसे बड़े खंडनकर्ता और वैदिक धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुमारिल भट्ट की रोचक कहानी। उन्होंने एक बौद्ध गुरु से दीक्षा लेकर बौद्ध दर्शन का ही खंडन किया और इसी कारण अंतिम समय में उन्होंने इसे स्वयं से ही गुरुद्रोह माना और अपना आत्मदाह कर लिया। जब कुमारिल भट्ट आत्मदाह कर रहे थे तो वहां पर शंकराचार्य जी भी आए और उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुमारिल भट्ट ने उन्हें अपने शिष्य मंडन मिश्र का पता दिया और शंकराचार्य जी के आंखों के सामने ही अपने देह का त्याग कर दिया। तो क्या है यह पूरी कहानी, आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह कहानी है 7वीं शताब्दी के भारत की। उस समय भारतवर्ष में बौद्ध विद्वानों का वर्चस्व अपने शिखर पर था। बात कुछ ऐसी थी कि इस्लाम अभी अपना आकार ही ले रहा था और ईसाइत का प्रभाव भारतवर्ष पर पूरी तरह से पड़ा नहीं था, लेकिन बौद्ध दर्शन की जड़ें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गहरे धंसी हुई थीं। इसलिए इन विद्वानों को लौकिक आधार भी प्राप्त हो रहे थे। जहां एक तरफ राजा लोग इन्हें प्रश्रय देते थे, तो वहीं नालंदा जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय इनके ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया करते थे। ये बौद्ध लोग आम तौर से वेदों का विरोध करते और वेदों की निंदा करते थे। उन कट्टर बौद्धों के कार्यों से आम जनता की बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी और वे वेद मार्ग का परित्याग कर रहे थे। वेदों की भूमि पर वेद अपमानित हो रहे थे। उस समय वेद मानने वाले सनातन धर्मावलंबी कम होते जा रहे थे। ऐसे कठिन समय में कुमारिल भट्ट का जन्म लगभग 650 ईस्वी में जय मंडल नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम योगेश्वर भट्ट और माता का नाम चंद्रकणा था। वे यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। कुमारिल भट्ट योग्य गुरु के पास रहकर वेद वेदांत और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। उनकी विद्वता और धर्म प्रवृत्ति के कारण उन्हें भट्ट पाद भी कहा गया है। कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के अनन्य भक्त थे। बौद्ध युग में वेदों की गिरी हुई दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख होता था और जिस तरह से हो वे वेदों का फिर एक बार उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने बौद्ध मत के खंडन का निश्चय किया, पर बौद्ध धर्म के ग्रंथों की उन्हें अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए वे एक बौद्ध धर्माचार्य श्री निकेतन के पास विद्यार्थी के रूप में गए और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन श्री निकेतन ने वेदों को दूषित बताया और वैदिक मार्ग की बड़ी निंदा की। कुमारिल से वेदों की निंदा सुनी न गई। वे गुरु के सामने तो कुछ न बोले, पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनका यह भाव देखकर अन्य बौद्ध विद्यार्थी समझ गए कि यह मनुष्य वेदों को मानने वाला है। उस दिन से उन पर बौद्धों की बड़ी ही कड़ी दृष्टि रहने लगी। कुमारिल के बौद्ध सहपाठी उनसे चिढ़ने लगे और उन्हें पाठशाला से निकालने की युक्ति सोचने लगे। कहानी को यहाँ पर कुछ पल का विश्राम देकर आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवन गति पाएगा और फिर सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकेगा। तो इतनी तो हम आपसे अपेक्षा कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस आते हैं। एक दिन कुमारिल एक ऊंची दीवार पर बैठे विचारों में निमग्न थे। उसी समय कुछ बौद्ध विद्यार्थियों ने वहां पहुंचकर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। उनकी मंशा थी कि इतने ऊंचे पर से गिरने से कुमारिल की मृत्यु हो जाएगी, मगर कुमारिल ने गिरते समय कहा, यदि वेद सत्य होंगे तो मेरी रक्षा होगी। और सचमुच उनकी रक्षा हुई और उनके प्राण बच गए, लेकिन चोट बहुत लगी और उनकी एक आंख भी फूट गई। कुमारिल इसे अपना कर्मफल बताते हुए कहते कि मैंने यदि वेद सत्य होंगे इस प्रकार का संशयात्मक वाक्य कहा, इसलिए मुझे यह दंड मिला। किंतु इस दुर्घटना के बाद कुमारिल को बौद्ध धर्म की सत्यता के बारे में भारी संदेह होने लगा। वे सोचते कि बुद्ध भगवान तो दया और अहिंसा धर्म के प्रचारक थे, पर इन बौद्धों ने मुझे धक्का देकर क्यों गिराया? बस इसीलिए ना कि जिससे मैं मर जाऊं और उनके मतवाद का विरोध नहीं करूं? क्या दया और अहिंसा का भाव अन्य धर्मावलंबियों के साथ नहीं दिखाना चाहिए? क्या शत्रु भी दया के पात्र नहीं है? परंतु यह सब कुछ नहीं,
बौद्ध लोग वेदों के विरोधी हैं, इसलिए बड़े धूर्त और पाखंडी हैं। वे अन्य धर्मावलंबियों को ठुकरा कर ही रखना चाहते हैं। वे अपने पाखंड में सारे संसार को झुकाना चाहते हैं। पर मैं यथाशक्ति शीघ्र ही इन पाखंडियों के भ्रम जाल से संसार को सावधान करूंगा। यही सब सोचकर और मन में दृढ़ संकल्प करके वे वैदिक कर्मवाद का प्रचार करने लगे। इसी प्रचार कार्य के सिलसिले में वे चंपा नगरी में जा पहुंचे। वहां सुधन्वा नामक एक बौद्ध राजा राज्य किया करता था, लेकिन उसकी रानी वैदिक सिद्धांतों को मानने वाली थी। अपनी धुन के पक्के कुमारिल चंपा नगरी में घूम घूम कर बौद्धों की परिस्थितियां देखने लगे। इसके बाद किसी तरह राजा सुधन्वा के माली से उनकी भेंट हो गई। इससे कुमारिल को राजवंश की दशा ज्ञात हुई। यह भी उन्हें मालूम हुआ कि रानी वैदिक धर्मावलंबी है, वह विष्णु का पूजन करती है और उसी के लिए माली तुलसी पत्र और पुष्प चुन रहा है। यह सब जानकर कुमारिल को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसी माली के द्वारा अपने आगमन की सूचना रानी को भिजवाई। रानी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वेद मतावलंबी कोई महात्मा आए हैं, पर वह उनसे उस समय न मिल सकी। एक दिन कुमारिल राजभवन के नीचे से जा रहे थे, इतने में ही उनके कानों को चौंका देने वाले शब्द सुनाई दिए। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें झरोखे में रानी बैठी हुई दिखाई दी। वह बड़े ही उदास और चिंता से भरी हुई मालूम होती थी। वह मुख से बारंबार वही चौंका देने वाला वाक्य उच्चारित कर रही थी, किम करोमि कगच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति, अर्थात क्या करूं, कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। रानी के ये शब्द सुनकर कुमारिल के हृदय में भरा हुआ वेदाभिमान जाग उठा। वे गंभीरता के साथ बोले, मां विषाद वरारोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। हे रानी, खेद ना कर, मैं कुमारिल भट्टाचार्य अभी इस पृथ्वी पर मौजूद हूं। कुमारिल के यह शब्द सुनकर रानी एकाएक चौंक उठी। उन्होंने कुमारिल को श्रद्धा भक्ति से देखा और दासी भेजकर सारा दुखड़ा वर्णित करते हुए यह कहा कि महाराज मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए बड़ा आग्रह करते हैं। अब तक तो मैं किसी तरह बच रही हूं, पर राजा के दुराग्रह से किसी न किसी दिन मुझे वैदिक धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरे ऊपर इस समय धर्म संकट का पहाड़ टूटा हुआ है। रानी के ये शब्द सुनकर कुमारिल को हर्ष और संतोष हुआ। उन्होंने उसे बड़ी सांत्वना दी और साथ ही बौद्ध धर्म की अनेक कमजोरियां तथा बुराइयां बताईं। बौद्ध धर्म को खंडन करने की अनेक उत्तम युक्तियां भी उन्होंने रानी को सिखा दी। कुमारिल ने उनसे कहा कि ये सब बातें और युक्तियां तुम प्रसंगवश कभी कभी राजा को सुनाया करना, जिससे उनका चित्त बौद्ध धर्म से बदलकर वैदिक धर्म की ओर आए। रानी स्वयं विद्वान थीं। उन्होंने कुमारिल भट्ट की बताई बातें अपने हृदय में बसा लीं। अब रानी जब अवसर पाती तभी राजा सुधन्वा को बौद्ध धर्म के विरुद्ध बातें सुनाने लगती। पहले तो राजा पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा, पर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैदिक धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। बौद्ध धर्म के सारहीन सिद्धांतों से उनकी श्रद्धा घटने लगी। रानी की युक्तियों ने अच्छा असर किया और वेद विरोधी राजा ने फिर वेदों का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। इतने दिनों में कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म के खंडन में 7 ग्रंथ तैयार कर लिए थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी बौद्धों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया था। अब कुमारिल ने दृढ़तापूर्वक वैदिक धर्म का मंडन और बौद्ध धर्म का खंडन करना आरंभ किया। वे घूम घूम कर भिन्न भिन्न स्थानों में जाते और बौद्ध आचार्यों से शास्त्रार्थ करते और उन्हें परास्त करते। बौद्ध लोग उनकी अपूर्व तर्क प्रणाली तथा खंडन कला को देखकर घबराने और भयभीत होने लगे। फिर एक दिन अनुकूल अवसर में कुमारिल भट्ट ने महाराज सुधन्वा से भेंट की। सुधन्वा भी उनका शास्त्रार्थ सुनने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। राजा की आज्ञा से शास्त्रार्थ के लिए विराट सभा का आयोजन हुआ। बड़े बड़े बौद्ध विद्वान एवं धर्माचार्य निमंत्रण देकर बुलाए गए। एक ओर बौद्ध धर्माचार्यों का दल बैठा था और दूसरी ओर तपस्वी आचार्य कुमारिल अपने दल के साथ विराजमान थे। राज्यसभा उत्सुक सदस्यों और दर्शकों से भरी हुई थी। इसी समय निकट के ही एक आम के पेड़ से कोयल कूकने लगी। उसके मनोहर कूक से सभा मंडल गूंज उठा।
लेकिन तभी आचार्य कुमारिल भट्ट ने एक श्लोक कहा जिसका भावार्थ है, अरे कोयल, मलिन नीच और श्रुति दूषक कौवे के कुल से यदि तेरा संबंध न हो तो तू वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। कुमारिल के इस श्लोक में जो व्यंग छिपा था वह राजा और बौद्धों पर लागू होता था। राजा के लिए तो इस तरह कि हे राजन, मलिन नीच और श्रुति दूषक या वेद निंदक लोगों से यदि आपका संबंध न हो तो आप प्रशंसा के योग्य हैं। किंतु इस श्लोक से बहुत गहरा हमला बौद्धों पर किया गया था और इसीलिए मन ही मन वह कुमारिल पर बहुत चिढ़े भी। इसके बाद शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, दोनों ओर से खंडन मंडन होने लगा। बौद्ध आचार्यों ने वेद विरुद्ध जितने तर्क सुनाए, जितनी बातें और युक्तियां कहीं, कुमारिल ने उन सभी का खंडन कर दिया। वेदों के विरुद्ध बौद्धों की एक भी युक्ति न टिकने पाई। कुमारिल ने अपना महान पांडित्य दर्शाते हुए वेदों की सभ्यता, सत्यता, न्यायप्रियता, सद्गुण, कर्मवाद, कर्मफल, उपासना, मुक्ति और व्यक्तिवाद आदि ऐसा सिद्ध किया कि हर तरफ के हर मनुष्य को वैदिक ज्ञान की विमल मूर्ति के दर्शन होने लगे। राजा और दर्शक सभी कुमारिल की सत्यता तथा प्रखर प्रतिभा पर मोहित हो गए और सबको यह अनुभूत हुआ कि वेद ही वास्तव में मानवता का सर्वोच्च दिव्य ज्ञान है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बौद्धों के सिद्धांत सर्वथा भ्रामक और भ्रांति मूलक हैं और इसीलिए अनिष्टकारी भी हैं, अतः इनका प्रचार वैदिक आर्यावर्त में कदापि नहीं होना चाहिए। इस महासभा में बौद्ध आचार्यों की समस्त युक्तियां थोथी और व्यर्थ सिद्ध हुई। वे अपने बौद्ध धर्म का जब जब बखान करते तो कुमारिल उनकी ऐसी पोलें खोलते कि बौद्ध धर्म वेदों के सामने निर्जीव और मिथ्या प्रमाणित होने लगा। उन्होंने हर तरह वैदिक धर्म को सिद्ध किया और बताया कि सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक पूर्ण ज्ञान वेदों में ही है। सभा में हर तरफ से आचार्य कुमारिल के लिए साधुवाद के स्वर गूंज उठे। कुमारिल ने यह भी सिद्ध किया कि बौद्धों का आचरण पापपूर्ण है और उन्होंने इस पवित्र वैदिक भूमि में केवल पापाचार का प्रचार किया है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वह अपने समय में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के समय में जो बौद्ध विद्वान हैं उन विचारों से बहुत आगे आ गए हैं और कुत्सित भावनाएं मन में धारण करते हैं। राजा उनके ज्ञानोपदेश से बहुत ही संतुष्ट हुए। कुमारिल से शास्त्रार्थ में हारे हुए बौद्ध आचार्य लोग अपना अपना मुंह लटकाए सभा से अपमानित होकर चले गए। बौद्धों पर बड़ी लानतें पड़ी। इसके बाद महाराज सुधन्वा भक्तिपूर्वक कुमारिल भट्ट के शिष्य हो गए। कुमारिल भट्ट बौद्धों को परास्त करने के लिए विभिन्न प्रांतों में दौरे किए और उन्हें परास्त भी किया। भारतीय जनता के बीच में वैदिक धर्म का एक बार पुनः से डंका बजने लगा और लोग जो इसे छोड़ चुके थे वे फिर से वैदिक धर्म अपनाने लगे। कुमारिल भट्ट का जीवन परम पवित्र था। वेदों की सर्वादि सम्मत सत्यता का पालन और उनका अनुभव ही उनका व्यवहार था। वेदों और शास्त्रों की सच्चाई में उनका पूर्ण विश्वास था और उनका प्रत्येक कार्य उसी महान विश्वास के वशीभूत रहता था। शास्त्रों के मतानुसार कुमारिल ने अपने जीवन में एक बड़ा भारी पाप किया जिसे गुरुद्रोह कहना चाहिए। कुमारिल ने बौद्ध गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, उसी के सहारे उन्होंने बौद्धों को परास्त किया था। कुमारिल ने सोचा कि मैंने धोखा देकर उस बौद्ध गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए यह गुरुद्रोह है। इस पाप के लिए कुमारिल ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। गुरुद्रोह के लिए शास्त्रानुसार तुषानल या भूसी की आग में जल जाना चाहिए, अन्यथा कोई मुक्ति नहीं होगी। कुमारिल प्रायश्चित करने के लिए तैयार हुए। इसके लिए वे प्रयाग गए। त्रिवेणी के तीर पर उन्होंने तुषाग्नि में प्रवेश किया। धधकती हुई भूसी की प्रचंड चिता में आचार्य कुमारिल अविचल शांति तथा दृढ़ता के साथ शांत रूप में बैठे थे। उनके मुखमंडल से शांति, कांति और तेज की चिंगारियां प्रस्फुटित हो रही थी। जिस समय कुमारिल भट्ट अग्नि में जल रहे थे उसी समय वहां शंकराचार्य जी का प्रवेश हुआ। शंकराचार्य ने जब सुना कि कुमारिल तुषाग्नि में भस्म हो रहे हैं तब वे दौड़े हुए त्रिवेणी तीर की ओर गए। उन्होंने देखा कि धधकती हुई चिता में आचार्य कुमारिल शांत मुद्रा में बैठे हैं। यह दृश्य देखकर शंकराचार्य चकित रह गए। उन्होंने कहा, धन्य है कुमारिल भट्ट, वेदों का उद्धार करना ही तुम्हारा काम था। शास्त्रों के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा, अपूर्व कर्तव्य निष्ठा और अगाध धर्म परायणता
इस पृथ्वी तल पर तुम्हारी ही देखी है। तुम धन्य हो, जितनी तुम्हारी प्रशंसा की जाए कम है। विलंब करने का अधिक समय न था, क्योंकि चिता धधक रही थी। शंकराचार्य ने तत्काल शीघ्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और कुमारिल से कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता था। शंकराचार्य ने उन्हें स्वरचित भाष्य आदि भी दिखाए। शंकराचार्य को दिखाकर कुमारिल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रायश्चित करने का कारण शंकराचार्य को बताया और कहा, मैं तो शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ। आपका उद्देश्य निश्चय ही बड़ा उत्तम और पवित्र है। मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे प्रधान शिष्य मंडन मिश्र से मिलिए। कुमारिल ने शंकराचार्य से यह भी कहा, जब तक मेरा शरीर भस्म न हो जाए तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहिए। मुझे आपसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि आपने वेदों के उद्धार का झंडा उठाया है। इसके बाद कुमारिल मौन हो गए। तुषाग्नि जोरों से धधक रही थी और पुण्यात्मा कुमारिल का शरीर भस्म हो रहा था। कुमारिल के भस्म हो जाने पर शंकराचार्य को बड़ा दुख हुआ। कुमारिल की श्रद्धा कर्मकांड पर अधिक थी, इसलिए वे भस्म हुए। इसके बाद शंकराचार्य ने सोचा कि जिस कर्मकांड के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हुए कुमारिल भस्म हो गए, उसका अवश्य खंडन करना चाहिए। केवल कर्मकांड के वशीभूत होकर मनुष्य अपने आप को जला डाले, यह बात शंकराचार्य को जची नहीं, और इसलिए उन्होंने कर्मकांड का खंडन करते हुए ज्ञान कांड का मंडन किया। तो यह थी कुमारिल भट्ट जी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।